सकता है अब जब 10 लोग टेबल पे बैठे उसमें से एक या दो बंदे ही सिलेक्ट होंगे आगे के राउंड के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करना मत भूलना, नहीं है डिग्री तो मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लास्ट क्वेश्चन जो सारी एयरलाइंस पूछती है या फिर सारी कंपनीज पूछती है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ छोटी सी चीज के लिए आपको होल्ड पर जाना है ना। तो आप Hi guys, I hope you all are doing really, really good. My name is Simran. Welcome or welcome back to my channel. As you all know, Indigo Airlines hire करी है ग्राउंड स्टाफ को, और आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कितने राउंड होते हैं ग्राउंड स्टाफ के, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने पड़ेंगे अगर आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर आप जाना चाहते हो ये सारी चीजें तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्राउंड स्टाफ में कितने राउंड होते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ में होते हैं टोटल 2 राउंड। हाँ जी, सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, इजी राउंड नहीं होते हैं, थोड़े टफ राउंड होते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा आपको। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर आप 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो प्रिपेयर वेरी वेल बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। सो जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो गाइस, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आपको एक टेबल पर बिठा दिया जाता है, 10 लोग होते हैं उसमें, कभी कभी 8 लोग होते हैं, कभी कभी 10 लोग होते हैं। आपको एक ग्राउंड टेबल पर बिठा दिया जाएगा और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसपे आपको बोलना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 2 से 3 मिनट तक तो बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। और जो भी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पता है उसको नोट डाउन जरूर कर लेना और जरूर प्रिपेयर कर लेना। तो आपसे एक एक करके क्वेश्चन किया जाएगा, आपको उसमें बोलना पड़ेगा। आप प्लीज ट्राई करना कि आप फिलर्स यूज ना करो, अटको ना। व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज कि टेक 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, कलेक्ट योर थॉट एंड देन डिलीवर योर आंसर। हड़बड़ा हट में कुछ भी उल्टा सीधा मत कर देना, क्योंकि वहां पे आपकी प्लस और माइनस मार्किंग दी जा रही है आपको। और ग्राउंड स्टाफ में भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। हो सकता है अब जब 10 लोग टेबल पे बैठे उसमें से एक या दो बंदे ही सिलेक्ट होंगे आगे के राउंड के लिए। सो बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सो गाइस, अगर आप ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर कर लेते हो तो आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में आपका 1-on-1 इंटरव्यू होता है, 2 से 3 HR बैठे होते हैं और आप अकेले जाते हो इंटरव्यू के रूम में, जहां पे आपसे क्वेश्चन एंड आंसर किए जाते हैं। अगर आप वो राउंड भी क्लियर कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो चुके हो एज ए ग्राउंड स्टाफ। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करना मत भूलना, नोट डाउन कर लो एक कॉपी में कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो सबसे पहली चीज है कि गाइज, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट। अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए आपके 6 सेमेस्टर्स जो होते हैं उसकी मार्कशीट होना मैंडेट है। अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट, नहीं है डिग्री, तो मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए। 6th सेमेस्टर अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मत जाओ इंटरव्यू देने के लिए, जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता है, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो गाइज, आपके पास होना चाहिए सारे मार्कशीट आपके ग्रेजुएशन के, आपके पास होना चाहिए आपका 12th क्लास का मार्कशीट। ऑल्सो आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है तो आप बनवा लीजिए और उसके बाद इंटरव्यू देने जाइए। वैसे तो एज अ ग्राउंड स्टाफ अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको टाइम दिया जाएगा कि ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि पहले आप पासपोर्ट बनवा लो और उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाओ। क्यों, एक छोटी सी चीज के लिए आपको होल्ड पर जाना है ना। तो आप बनवा लीजिए जितना जल्दी हो सके पासपोर्ट, अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहती हैं तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए पासपोर्ट के लिए, क्योंकि पासपोर्ट चाहे आप ग्राउंड स्टाफ बनो चाहे आप कैबिन क्रू बनो, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कैरी करना पड़ेगा एज अ एयरलाइन स्टाफ। उसके बाद गाइज, यू हैव टू कैरी योर आधार कार्ड एंड योर पैन कार्ड। यू हैव टू कैरी योर आधार कार्ड एंड योर पैन कार्ड। इन सारी चीजों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाए ना जाए, बट फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाना, ठीक है। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ में आप लेकर जाओगे आपका अपडेटेड रिज्यूमे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे इंडिगो एयरलाइंस के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो सारी एयरलाइंस पूछती हैं या फिर सारी कंपनीज पूछती हैं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस आंसर। अगर आप खुद के बारे में बात नहीं कर सकते हो तो आप किसी के बारे में बात नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो आंसर है आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए, बिना अटके बिना फिलर्स यूज करे आप बहुत ही अच्छे से डिलीवर कर पाओ ये आंसर। तो बी वेल प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये आपसे 110% पूछा जाएगा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ ग्राउंड स्टाफ। आप ग्राउंड स्टाफ क्यों बनना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ एंड नॉट अ कैबिन क्रू। ये वाला क्वेश्चन फीमेल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये वाला आंसर भी आप वेल प्रिपेयर करके जाना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट रैम स्टाफ, व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्योरिटी स्टाफ,
What do you know about customer service staff? कि उन लोगों की क्या roles and responsibilities होती हैं, क्या duties होती हैं, क्या उनका काम होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको prepare होना पड़ेगा. Next question जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है why do you want to join Indigo Airlines and why not any other airline? तो इसके बारे में भी आपको prepare होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Another most important question जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आर यू कम्फर्टेबल इन relocating टू एनी अदर सिटी. तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा गाइज क्योंकि इंडिगो के जो बेस है जहाँ पे से इंडिगो ऑपरेट करती है वो बहुत सारे बेसेस हैं, तो जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा. हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल वर्क प्लेस हो वो आपका सिटी ही हो, बट आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए किसी और सिटी में भेज दिया जाए जहाँ पे अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने का खर्चा पूरा एयरलाइन उठाएगी. तो उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इसमें आप हाँ बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होंगे कि आपको किसी और सिटी में भेजा जाएगा, क्योंकि जनरली जो प्रेफरेंस होती है ग्राउंड स्टाफ के लिए वो होती है कि लोकल लोगों को ही वो लोग प्रेफर करते हैं. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एक्सपीरियंस पीपल इज व्हाई यू वांट टू लीव योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको उसके बारे में भी वेल प्रिपेयर्ड होना है. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री. ये उन लोगों से स्पेशली पूछा जाएगा जो शायद कॉर्पोरेट जॉब से स्विच करके एविएशन इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो उनसे ये बहुत सी बार पूछा जाता है क्वेश्चन. उसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है व्हाई शुड वी हायर यू. तो व्हाई शुड वी हायर यू में आपको आपके स्ट्रेंथ पता होने चाहिए. इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ और वीकनेस. तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए. आपको उसमें वेल प्रिपेयर करके जाना है, स्पेशली स्ट्रेंथ वाला आंसर, क्योंकि व्हाई शुड वी हायर यू में भी आपको अपने स्ट्रेंथ ही बताना है, और स्ट्रेंथ वाला डायरेक्ट अगर पूछ लिया गया है तो उसमें भी आपको अपने स्ट्रेंथ ही बताने हैं. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. उसके बाद में गाइस टेल मी अबाउट योर स्किल्स. जो भी रिज्यूमे में आपने अपने स्किल्स शो करे हुए हैं वो सारे स्किल्स आपको अब वर्बली बताने हैं इंटरव्यूअर को विद एग्जांपल. जैसे कि आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन करे होंगे कुछ स्किल्स, तो आपको उन्हीं कुछ स्किल्स में से उठा के बात करनी है. जैसे कि आपने लिखा हुआ है लीडरशिप स्किल्स, तो नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट योर लीडरशिप स्किल्स कि कैसे आप शो कर रहे हो, कैसे आप बोल सकते हो कि आप में लीडरशिप स्किल्स है, तो आपको उसके बारे में एग्जांपल देना पड़ेगा. तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. बिना प्रिपेयर करे मत जाना, क्योंकि 6 महीने तक फिर वो कूलिंग वाला पीरियड आ जाएगा जिसमें आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हो. सो बी वेल प्रिपेयर, चाहे आप इंटरव्यू ग्राउंड स्टाफ का दे रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू कैबिन क्रू का दे रहे हो. अगर आप कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, वहाँ से कुछ भी पिक करके देख सकते हो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much for watching. Bye-bye. Take care and stay safe.